दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुणाल पांड्या के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुणाल पांड्या जब यूएई से लौट रहे थे तो उन्हें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, जिन पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एजेंसी ने उन पर कथित तौर पर अधिक मात्रा में सोना एवं अन्य मूल्यवान वस्तु रखने के आरोप में फाइन लगाया है। जानकारी के मुताबिक कुणाल पांड्या को शाम 5 बजे के करीब हवाई अड्डे पर रोका गया। साथ ही आपको बता दें कि कुणाल ने यूएई में हुई आईपीएल के 13वें सीजन के दौरान दुबई से बड़े मात्रा में सोने की चेन खरीदी, जो कि भारतीय कानून के तहत अनुमति की मात्रा से अधिक पाई गई है, जिसकी वजह से उन्हें कस्टम डिपार्टमेंट ने रोका है। कुणाल पांड्या को जब यह बात बताया गया कि उनके पास तय मात्रा से अधिक सोना है, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं थी। उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी, इसके लिए पेनाल्टी भी दी। दरअसल कुणाल पांड्या पर इस बात का शक किया जा रहा है कि उनके पास तय सीमा से ज़्यादा सोना है। उनके पास से कुछ कीमती सामान भी मिली है, जिसमें 2 सोने की कंगन और कुछ महंगी घड़ियां भी शामिल हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।